नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम तुरहा जाति के इतिहास को देखेंगे जिनकी अधिकांश जनसंख्या बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्से में पाई जाती है। तो आज बने रहिए इस वीडियो पे फ्रॉम द बिगिनिंग टू एंड तक, ताकि आपको तुरहा जाति के संपूर्ण इतिहास जानकर बहुत ही रोचक लगेगा। दोस्तों, यह एक ऐसा समुदाय है जो खानदानों में बंटा हुआ है और खानदानों के नाम पे ही चलता है। खानदान में शादियां वर्जित होती है और जिस प्रकार से बड़ा खानदान पालक तुरहा कहा जाता है, तो क्या इतिहास है इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। इसलिए फ्रॉम द बिगिनिंग टू एंड तक इस वीडियो के बने रहिए और जानिए कि तुरहा जाति का इतिहास क्या है। दोस्तों, इस जाति की मान्यताएं के अनुसार कि यह महाराणा प्रताप के वंशज हैं। इस प्रकार से भी जाना जा सकता है कि यह प्राचीन रूप से क्षत्रिय समाज होने का दावा करते हैं और जो कि इनकी हकीकत भी दिखता है। मुख्य रूप से व्यावसायिक मछली, फल, सब्जियां जैसे कृषि उत्पादों को बेचना होता है और साथ ही साथ यह एक और भी अन्य काम में भी जुड़े हुए होते हैं, जिनका कहा जाता है कि ये वाद्य यंत्र बजाने में इनका बहुत बड़ा महारती हासिल होता है। इतिहास और उत्पत्ति की कहानी यदि देखें तो वो मुख्य रूप से दरभंगा, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, छपरा, वैशाली जिले में पाए जाते हैं। अधिकांश जनसंख्या बहुत अधिक नहीं है, लेकिन इतनी जनसंख्या तो जरूर है जो इनके ऊपर बात किया जा सकता है। कुछ नेपाल के पड़ोसी और तराई क्षेत्र में भी तुरहा जाति के लोग पाए जाते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी पाए जाते हैं। पश्चिम बंगाल और पश्चिमी बिहार और पूर्वी भारत में वाणिज्य, मैथिली, भोजपुरी और हिंदी बोलने वाले लोग, आपको अधिकांश लोग तुरहा समाज से मिल जाएंगे। माना जाता है कि तुरहा जाति में कई वंशों में बटा हुआ है, जिन्हें खानदान भी कहा जाता है। खानदान में शादियां वर्जित होती है। सबसे बड़ा खानदान पालक तुरहा का होता है, लेकिन आज महत्वपूर्ण विषय है कि इन समुदायों को जो रिजर्वेशन की फैसिलिटी है वो नहीं मिलता है, और इस वजह से भी इन समाज की, क्योंकि जनसंख्या बहुत अधिक नहीं है इसलिए इनके ऊपर कोई बात नहीं करता है। बट ऑलवेज, एज ऑलवेज, आई होप कि हम सोचते हैं कि कोई भी समाज जो सनातन हिंदू परंपरा को मानते हैं उनके लिए आवाज उठाया जाए, तो इसलिए भी अब वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वे साह, साहू, साह प्रसाद, साह तुरहा, तुरहा, तुरहैया और तुरहा के उपनाम से भी जाना जाता है, और ये पूरे भारत में निवास करते हैं और तुरहा खाड़ी देशों में भी रहते हैं और पूरी दुनिया में इनका एक अपना कारोबार है। तरह तरह के अन्य व्यवसायों में भी आज इनकी जनसंख्या बढ़ती हुई जा रही है, महारत हासिल करती हुई जा रही है, लेकिन शिक्षा के अभाव, सामाजिक जागरूकता और संवैधानिक अधिकार की मांग करने वाले तुरहा समाज आज बहुत ही अग्रसर होकर अपने अधिकार की मांग करते नजर आते हैं। लेकिन कोई भी ऐसे जनवादी संस्था खुद तुरहा समाज के अंतर्गत नहीं है, और खासकर राजनीतिक दल भी तुरहा समाज को अनदेखा करती रहती है, जिस कारण इन समाज के अंतर्गत जो प्रगति और डेवलपमेंट की विचारधारा है वो समाप्त होता जा रहा है। लेकिन शिक्षा और बेरोजगारी एक प्रकार की अन्य समस्या है जो तुरहा जाति की सामाजिक संस्कृति उद्भव हो और इनकी राजनीतिक सहभागिता के साथ जो है तुरहा समाज और तुरहा जाति की प्रगति और डेवलपमेंट हो सके। मुख्य रूप से दो चीज होती है जो किसी भी समाज की बुनियाद के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। एक होता है शिक्षा और सामाजिक विचारधाराएं। यदि सामाजिक विचारधाराओं की बात करें तो तुरहा समाज प्राचीन रूप से क्षत्रिय समाज अपने आप को मानते हैं, जबकि इनमें जो सामाजिक और शिक्षा की व्यवस्था है और शिक्षा स्थिति है वो काफ़ी अच्छी नहीं है, इसलिए भी इन समाज को रिजर्वेशन की मांग हो रही है। तो आई होप सो कि तुरहा जाति के इतिहास जानकर आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि कोई फेसबुक या कोई सोशल ग्रुप चलाते हैं तो वहाँ पर भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आगे, तब तक के लिए।